अध्यक्ष सैयद सोहेब अहमद, वेलकम टू स्टूडियम लेजीज। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 504 एंड 506 की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं आईपीसी होता क्या है। आईपीसी भारत में पूरी तरह से लागू है और भारत में जो भी क्राइम होता है उसे डिफाइन भी किया गया है और उसका पनिशमेंट भी बताया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 504 की। यदि कोई व्यक्ति किसी को इंटेंशनली किसी को उकसाता है या प्रोवोक करता है और उसका अपमान करता है ताकि वो कोई क्राइम करे, तो ऐसा उकसाना क्राइम होता है। अब हम बात करते हैं इसकी पनिशमेंट की। तो आईपीसी सेक्शन 504 में 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 506 की। यदि कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है, वो धमकी आपराधिक है, तो ऐसे आपराधिक धमकी आईपीसी सेक्शन 506 में आएगी। पनिशमेंट जो है आईपीसी सेक्शन 506 में 2 वर्ष की सजा के साथ जुर्माना भी या दोनों भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को बहुत ही डेंजरस धमकी देता है, जैसे कि जान से मारने की धमकी, उसके प्रॉपर्टी को जलाने की धमकी, उसे जलाने की धमकी, रेप करने की धमकी, या किसी इज्जतदार औरत पर उसे इज्जत और आबरू पर लांछन लगाने की धमकी, तो ऐसे सारी धमकी आईपीसी सेक्शन 506 में आते हैं। और ऐसी धमकियां जो बहुत ही डेंजरस हो, जैसे कि मर्डर की, अब मर्डर का जो पनिशमेंट है वो 7 वर्ष का है और उम्र कैद का सजा भी है, तो ऐसे अगर कोई धमकी देता है तो उसका जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड कर जाएगा, वो 2 इयर्स की जगह 7 इयर्स हो जाएगा, और जुर्माना भी, या तो जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। याद रखें, आईपीसी सेक्शन 506 में गवाहों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि वो पीड़ित व्यक्ति यानी कि प्लेंटिव व्यक्ति वो कोर्ट में प्रूफ कर दे कि इसने मुझे ऐसा धमकी दिया, तो आईपीसी सेक्शन 302 एंड 307 से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब आपसे